गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी फ्लक्स चैनल पे। सुरेश वीएसआर आपका स्वागत करता हूं मैं। आज आखिरी क्लास है सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए इन ए सीरीज ऑफ फोर क्लासेस। वेलकम टू द लास्ट क्लास पार्ट फोर। एंड टुडेस क्लास आई टीच यू व्हाट इज एटीट्यूड एंड ऑर्बिटल कंट्रोल। What are the theory aspects of satellite and earth station? So, आज काफ़ी theory होगा, ज़्यादा कोई problems का scope तो नहीं है। सबसे ज़्यादा problems का scope budget link equation पर आता है, थोड़ी बहुत Kepler's laws पे। Types of orbits जो पहली class में पढ़ाया उसमें तो कमी problems आते हैं। आज की class भी काफ़ी theory oriented है, very useful for ESC and ISRO exams. So welcome all of you students. Give me a small hint if I'm there in the live chat. Yes, I can see you. So hi students, welcome each of you. So let's start the session today with a few of the activities of Unacademy. As you all know that I'm able to speak to you, aaj aap se hum baat kar rahe hain to Unacademy ki wajah se. Inke free class initiatives, democratizing education, aise kafi series hain jiski wajah se hum log aap tak pahunch pa rahe hain. From a stage where you have to access teachers, जहां आप लोगों को teachers को access करना मुश्किल होता था, from that stage to your teacher coming right into your house, आपके घर तक आता हुआ teacher, a huge change in the technology and revolution, all because of Unacademy. So share this satellite communication series with all your friends, like, subscribe, and please put in नोटिफिकेशन बेल बटन दबाइए तो नोटिफिकेशन भी मिलेगा। नेक्स्ट वीक इट्स गोइंग टू बी रेडार्स, हम लोग रेडार्स की क्लासेस करेंगे। बट दिस वीक ऑफ कोर्स सैटकॉम लास्ट क्लास कवरिंग ऑल द टॉपिक्स ऑफ सैटकॉम। एक डाउट आप लोगों को आता है कि सर ये काफी है क्या, आर दे सफिशियंट? टू अ लार्ज एक्सटेंट फॉर द बेसिक्स, फॉर व्हाट इज योर कंटेंट, मतलब आपकी कंटेंट क्या है, क्या क्या पढ़ना है, ये जानने के लिए काफी है। इसके आगे और क्या कर सकते हैं सर, यू कैन डू ए फ्यू प्रॉब्लम्स, थोड़ी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए तो काफी है। सो वेलकम टू अनअकैडमी फ्लक्स। द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज अबाउट द नेविगेट, एक ऐसी स्कॉलरशिप सीरीज है, स्कॉलरशिप एग्जाम है जो अनअकैडमी कॉम्बैक्ट जैसा ही बट ऑन ए लार्जर स्केल, मच बिगर स्केल इट्स गोइंग टू हैपन। सो देर आर स्कॉलरशिप्स वर्थ 5 crores फॉर दिस एग्जाम अलोन। So this Sunday it's going to happen 23rd morning 11 o'clock. Do register for it, students. Very big event. Then comes Master Blaster series, जिसमें हम लोग एक 10,000 questions करा रहे हैं, 10,000 questions in all the branches. So all the educators are following. All the educators have done this questions. तो ये भी बढ़िया है, पूरा महीना चलेगा। मेरा electromagnetic fields हो चुका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ईडीसी बचा हुआ है। सो मास्टर ब्लास्टर सीरीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो इट। सो 10K क्वेश्चंस। विकास सर हाई, गुड इवनिंग विकास, हाउ आर यू? उत्कृष्ट एक ऐसी सीरीज है जिसमें आप लोगों को यूट्यूब सेशंस होंगे, टॉपर्स के नॉलेज फाइट होगा, लेकिन ये सिंक्रोनाइज्ड है अनअकैडमी बैचेस के साथ। जो भी बैच अभी अनअकैडमी में शुरू हो रही है उसका बेसिक्स पढ़ाएंगे हम। जैसे हमारे 26 को EMT शुरू हो रही है कास EC स्टूडेंट्स के लिए 26 को, तो उसका ओरिएंटेशन उत्कृष्ट में देते हैं हम लोग। वी विल गिव यू द ओरिएंटेशन इन उत्कृष्ट अबाउट हाउ द सीक्वेंस इज गोइंग टू बी। सो दैट्स व्हाट इज उत्कृष्ट, इज अ सीरीज ऑफ यूट्यूब क्लासेस एंड नॉलेज फाइट। सो 26 EMT स्टार्टिंग एक्सक्लूसिवली फॉर EC स्टूडेंट्स, सिर्फ EC स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन मतलब वेव्स ट्रांसमिशन लाइन्स। So do subscribe with my code, because the subscription also comes in 2 stages. You can go for plus and iconic. Iconic comes with more focus, individual attention from the mentors. जबकि plus होती है regular classes, paid classes. ये paid classes में भी उतना ही हम focus करते हैं जितनी iconic में है. But in iconic, apart from the teacher, there is one more person guiding you. प्लस में टीचर्स का गाइडेंस मिलेगा, आइकॉनिक में IIT टॉपर का भी गाइडेंस मिलेगा। सो ऑब्वियसली आइकॉनिक हैज लॉट मोर एज, और ज्यादा एज होती है, और ज्यादा
प्रिविलेज होती है. सो ऑब्वियसली आइकॉनिक इज डिफरेंट. देन ऑफकोर्स सब्सक्रिप्शन यू कैन टेक इट वन मंथ. एक डाउट सब्सक्रिप्शन के बारे में स्टूडेंट्स को कि कब लेना चाहिए सब्सक्रिप्शन. अब कभी भी ले सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी दैट देर इज एनी स्पेसिफिक टाइम क्योंकि यू कैन एक्सेस ऑल बैचेस. आप कोई भी बैच एक्सेस कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेके. कोई भी टीचर को एक्सेस कर सकते हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड. जो उससे पहले भी हो चुका है उसका रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. जो अभी लाइव चल रही है वो भी देख सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द क्लासेस, डाउनलोड द नोट्स. तो सब्सक्रिप्शन इज अ वेरी यूनिक यूनिक पैटर्न. बहुत ही यूनिक होती है सब्सक्रिप्शन. एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए तो बस यू कैन एक्सेस ऑल टीचर्स, ऑल क्लासेस. एंड यू कैन ऑलवेज यूज माई कोड VSRS22 फॉर सब्सक्रिप्शन. सो फील फ्री टू यूज माई कोड VSRS22 फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर रिक्वायर्ड डिस्काउंट्स एंड ऑल. ये मेरा टेलीग्राम चैनल भी है. सब कभी भी मेरे टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं. मेरी कोड भी यूज कर सकते हैं आप. सो दैट्स ऑफकोर्स अबाउट आइकॉनिक पार्ट. आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन हो, प्लस का सब्सक्रिप्शन हो, इट कम्स वेरी लिटिल. यू कैन गो फॉर 1 month to 1.5 years. कुछ भी ले सकते हैं आप. या देन कम्स टू द ग्रेट रिजल्ट्स. यू कैन सी आपके सामने हैं हमारी अनअकैडमी के ग्रेट रिजल्ट्स. सो फिर ऑलरेडी आई एम रेडी फॉर द सैटेलाइट सब सिस्टम्स. आप तैयार हो. आज की क्लास हम लोग बस यही पढ़ेंगे कि सैटेलाइट और अर्थ स्टेशन में सब सिस्टम्स क्या होते हैं. दैट मीन्स टुडेज़ क्लास इज ओरिएंटेड टू टेल यू व्हाट आर द वेरियस सब सिस्टम्स, व्हाट आर द वेरियस यू नो व्हाट आर द अदर एस्पेक्ट्स ए सैटेलाइट कंप्राइज ऑफ. सैटेलाइट का मतलब सोलर पैनल्स, एंटेनास, ट्रांसपोंडर्स, स्पिनर्स काफ़ी होते हैं, गायरोस्कोप्स, बैलेंसिंग सिस्टम्स स्पेस में अपने आप को बैलेंस करने के लिए. सो इन सबको मिला के सब सिस्टम्स बोलते हैं. सो लेट्स लुक एट दिस सैटेलाइट सब सिस्टम्स. व्हाट आर द वेरियस सब सिस्टम्स. सो बेसिकली यू शुड कैटेगराइज इनटू 4 parts. द सैटेलाइट सब सिस्टम्स हैव टू बी कैटेगराइज इनटू 4 parts. द एटीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल. एटीट्यूड मतलब ओरिएंटेशन कंट्रोल. सोलर पैनल्स का ओरिएंटेशन हो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का ओरिएंटेशन हो, इट शुड बी परफेक्टली अलाइन विद द अर्थ एंड विद द सन ताकि सैटेलाइट इज ऑलवेज सेंडिंग द सिग्नल एंड ऑल्सो रिसीविंग द पावर फॉर सेंडिंग द सिग्नल. अगर वो सोलर पावर पे चल रही है तो. अगर चलेगा भी, काफी सैटेलाइट्स सोलर पावर पे चलते हैं. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इज द AOC सिस्टम, एटीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल. आज इसी के बारे में बात करेंगे. सो एटीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल मतलब ओरिएंटेशन, सही तरीके से देखना सैटेलाइट. माना कि सैटेलाइट अपनी जगह पे है लेकिन ओरिएंटेशन उसके अलग है, उस तरफ नहीं देख रही है. तो यू हैव टू अगेन रोटेट द सैटेलाइट, पुट इट इन कंट्रोल ताकि उसके एंटेना ठीक ग्राउंड की तरफ देखे, अपनी सही डेस्टिनेटेड जगह पे की तरफ देखे. That's what is called as AOC, attitude and orbit control. The next is telemetry. Telemetry मतलब measuring. उसका height measure करना, उसका temperature measure करना, उसकी power measure करना, track करना उसको, अपनी जगह पे है कि नहीं है. Is it going on time or is it going behind schedule? कभी कभी उसकी velocity बढ़ जाती है, कभी कभी space dust से टकरा जाती है. स्पेस में कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट से टकरा गया, कोई मीटियोर से टकरा गया, स्लो हो गया, इट हैज टू पिक अप वेलोसिटी. सो ये सब होता है ट्रैकिंग, टेलीमेट्री, मेजरमेंट एंड कमांड, TTC. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑलवेज आर AOC एंड TTC. आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. सो दैट वी हैव ए फील कि हमने पूरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ लिया. सो वॉट इज AOC इज ऑटोमेटिकली चेकिंग द सैटेलाइट्स हाइट एंड ओरिएंटेशन. TTC मीन्स मेजरिंग द सैटेलाइट पैरामीटर्स एंड टेकिंग द कमांड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन. आप लोगों को पता है इंडिया में मोस्ट इसरो सैटेलाइट्स कहाँ से मॉनिटर करते हैं?
इंडिया में टीटीसी सिस्टम कहां पे होती है पता है आपको? वेयर इज दिस टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड? एनीबडी? एनीबडी? అరిగల రాజేంద్ర కుమార్ ఏం భాష మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది నీకు? హిందీలో మాట్లాడుతున్నానా, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నానా, తెలుగులో మాట్లాడుతున్నానా? అరిగల రాజేంద్ర కుమార్, హిందీ కాదు, ఇంగ్లీష్ కాదు, తెలుగు కాదు, ఇది శాట్కామ్. ఇట్ డజంట్ నీడ్ ఎ లాంగ్వేజ్. టెక్నికల్ టీచింగ్ ఇస్ లాంగ్వేజ్ ఇండిపెండెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ తెలుగు. It's if you have the sense, you can follow any content. So can anybody tell me in India, where is TTC system majorly? Where do you think we control the satellite majorly? Where is ISRO's telemetry tracking and control unit majorly located at? Anybody? Waiting for your response, students. आपके रेस्पॉन्स के लिए वेट कर रहा हूं मैं. इंडिया में सैटेलाइट्स का ट्रैकिंग, कंट्रोल, मॉनिटरिंग, हेल्थ सब कहां पे होता है, किस स्टेशन से? एनी गेस? अरुण, नो रॉन्ग. इनफैक्ट इसरो डजंट हैव ए फुल फ्लेज्ड सेटअप इन चेन्नई. नो नो अरुण, इट इज इन हसन नियर बैंगलोर. It is from Ahmedabad and of course from its Bangalore and Trivandrum centers. Ahmedabad, Hassan is the major point. Hassan near Bangalore. It's one of the major point. Hyderabad, Naveen, it has got no doubt, but it's only a very minor, NRSA component, National Remote Sensing Agency, which only process the images. Process the data, satellite data, OB for remote sensing. So not exactly in Hyderabad also. Hassan and of course Ahmedabad are the major centers. So they are almost like monitoring the health of the satellite, monitoring the status of the satellite, something like that. The third important thing is the power systems, the power supplies. Kabhi satellite earth ke peeche aa gaya eclipse stage mein, to batteries barabar hai ki nahi hai? Are the solar panels getting weak? क्योंकि over a time and period से solar panels किसी से टकरा जाते हैं तो थोड़ी बहुत निकल जाते हैं. They lose their power, they lose their generation. So इनको monitor करना, solar panels को, powers को. And last is communication subsystem, जिसके लिए satellite designed है. Are its antennas perfectly working or not? उसका relay system ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है? क्योंकि सैटेलाइट को कुछ करना तो है नहीं है, जो सिग्नल आया उसे फिर रिपीट करके भेजना है. उसका कम्युनिकेशन सिस्टम का काम वही है, अपनी तरफ से कोई सिग्नल जनरेट नहीं करना है. इट हैज टू ओनली रिसीव द सिग्नल, एम्पलीफाइड एंड देन सेंड इट बैक. सो दीज आर द मेजर फोर कॉम्पोनेंट्स ऑफ टूडेज क्लास: एटीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड, एंड ऑफकोर्स पावर सप्लाईज एंड कम्युनिकेशन सब सिस्टम्स. बिकॉज क्या हुआ? वॉट हैपन टूडे बिकॉज? कुछ समझ नहीं आए. कौन सी टॉपिक, AOC या TTC? शुरू में बिकॉज तुम ऐसे डिले हो जाओगे तो बाद में मेरे को मुश्किल हो जाएगा. स्पेशली बिकॉज, कौन सी टॉपिक, AOC या TTC? जल्दी बताओ मेरे को, वरना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ. मैं आज यही पढ़ाऊंगा, AOC, TTC. एंड स्टूडेंट्स, विकास जैसे लोग आप जैसे डिसअपॉइंट हो जाएंगे तो नहीं चलेगा मेरे को. सैटकॉम आप ही के लिए ले रहा हूं मैं. सो जल्दी बताइए विकास, एंड आर यू फॉलोइंग फ्रॉम द फर्स्ट क्लास और आज ही आए हो? विकास, क्विक, आई वॉन्ट योर आंसर क्विक, बिकॉज सैटकॉम विच इज हैपनिंग फॉर द लास्ट फोर थ्री क्लासेस, दिस इज द लास्ट एंड ईजिएस्ट टॉपिक. आज का टॉपिक सबसे आसान है. चलो, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फोर सब सिस्टम्स. एटीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल इज फॉर फोकसिंग द सैटेलाइट एंड मेंटेनिंग इट्स पोजीशन. टीटीसी इज टू सी दैट यू आर मॉनिटरिंग द सैटेलाइट्स हेल्थ, पोजीशन
यू आर गिविंग इट द रिक्वायर्ड कमांड, इफ नेसेसरी उसको कमांड देना, उसकी ओरिएंटेशन सही करना, उसकी वेलोसिटी बढ़ाना, ये सब, दिस इज व्हाट कम्स अंडर टीटीसी। कमिंग टू एओसी फर्स्ट, सबसे पहले एओसी की ओर देखते हैं। व्हाट इज एओसी? एटीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल सबसिस्टम। इट कंप्राइजेस ऑफ ए फ्यू रॉकेट मोटर्स जो उसको अपनी सही जगह पे प्लेस करते हैं, एंड दे वर्क व्हेनेवर इट इज डिविएटेड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव ऑर्बिट। कभी भी ऑर्बिट से थोड़ी बहुत डिविएट हो गया तो ये सैटेलाइट, ये रॉकेट के मोटर्स फिर चालू हो जाते हैं और फिर अपने जगह पे आ जाते हैं। सो व्हाट इज एओसी? द सेट ऑफ मोटर्स गेट द जेट सिस्टम्स, थोड़ी बहुत गैस छोड़ते हैं, थोड़ी बहुत रोटेट करते हैं, सो दैट दे, यू सी दैट दे आर प्लेस इन द राइट ऑर्बिट। सो व्हाट इज एओसी? सिस्टम ऑफ रॉकेट मोटर्स जो उसके एजेस पे लगे रहते हैं मोटर्स। सो व्हेन दे आर एट द एज ऑफ द सैटेलाइट, दे कैन स्पिन द सैटेलाइट, दे कैन मूव द सैटेलाइट, सो इट सीज दैट इट इज ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द अर्थ। सो एओसी का काम यही है कि हमेशा सैटेलाइट अर्थ की तरफ ही देखता रहे। इट शुड बी ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द अर्थ। And it has got two systems, attitude control and orbit control. Attitude control मतलब orientation control, orbit control मतलब path को deviate ना होने देना, अपनी elliptical path maintain करते रहना. So they use some special motors, they use some jet systems, gas releasing systems, ताकि orbit पे ही रहे और सही दिशा में देखते रहे, उसे थोड़ी बहुत भी डिविएट नहीं होना है उस एलिप्टिकल पाथ से, उसके टाइम पीरियड खराब नहीं होनी है। इट्स नॉट लूज इट्स टाइम पीरियड, इट्स नॉट लूज इट्स ओरिएंटेशन, इट्स नॉट लूज इट्स रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एओसी, विच हैज गॉट टू पार्ट्स, एओसी सबसिस्टम एंड ऑर्बिट कंट्रोल सबसिस्टम। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? Naveen, if the propulsion fuel is over, the life of the satellite is over. That's what life is for 10 years, 15 years. So you won't require very few, frequently this propulsion fuels and all. Obvious, na? But if it is over, the life of the satellite is over. Most often it is made to fall to the earth or it may go to the outer space. If it falls to the earth, you can retrieve some of the components. So it is made to see that it comes back to the earth. So nobody will refill it. Naveen, once this any of this is gone, the life is gone. Even solar panel ka bhi same situation hai. Once your solar panel is completely degraded, meteor dust hitting frequently, satellite is gone. Satellite is just like your car, you don't use it for your lifetime. 15 साल के लिए होती है कार, इंडिया में 20 साल के लिए चला लेते हैं, कुछ लोग तो 3 साल में बदल देते हैं। सो नवीन, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ए सैटेलाइट। सम सैटेलाइट्स आर डिजाइन फॉर 15 ईयर्स, दे वर्क इवन फॉर 20 ईयर्स। सो इट्स ऑल अबाउट यूजिंग इट, इट्स नॉट अबाउट रीफिलिंग इट। चलो एओसी सिस्टम में क्या क्या होते हैं देखते हैं, एटीट्यूड कंट्रोल सब सिस्टम में क्या होते हैं देखते हैं। द एटीट्यूड कंट्रोल जो ओरिएंटेशन देखती है, इसमें दो तरीके होते हैं, देयर आर टू वेज ऑफ हैंडलिंग इट। द एओसी हैज गॉट टू वेज ऑफ हैंडलिंग इट, ईदर स्पिनिंग द एंटायर सैटेलाइट और थ्री एक्सेस मेथड, बैलेंसिंग विद थ्री एक्सेस और यू कैन एंटायरली स्पिन इट। So when you call spinning the satellite, this is how it looks like. There are frequent, these are called as spinner satellites, which are designed to be rotated. So whenever the orientation is lost, they can spin. Very old satellites belong to this category. बहुत पुराने satellite इस category में आते हैं कि spinner type के, जो हमेशा गोल होते हैं and they got motors which can rotate. So this is what is spinners.
So that whenever the antennas are losing their orientation, they automatically spin. This is called as attitude control. Now, the other is three-axis method. Spinning the satellite is very tough. You need that jet propulsions. You need that gas, small gas units. So obviously it's tough. So the latest advancements is to go for something called as three-axis method. Where in three-axis method, this is what happens. The satellite comes with three more such axes. Y-axis, X-axis, Z-axis. Three dimensions, three axes. And they come with small rock motors here. Small jet propulsion systems. So, koi bhi deviation, they automatically balance. See, most of you should have seen people walking on rope. When they walk on the rope, they carry a hand, they carry a stick with them. So that whenever the person is falling this side or this side, they balance. Exactly, that's what is three-axis method. Kisi bhi taraf jhuk jati hai satellite, kisi bhi taraf zyada jhuk gaya, तो अपने आप सैटेलाइट को एडजस्ट कर लेते हैं. दैट्स व्हाई वी एडजस्ट ए सैटेलाइट. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज थ्री एक्सिस. एंड द एक्सिस आर कॉल्ड एज रोल एक्सिस, पिच एक्सिस, यॉ एक्सिस, करस्पॉन्डिंग टू एक्स वाई जेड. सो स्टूडेंट्स, स्पिनर्स एंड स्पिनर सैटेलाइट्स रोटेट कंप्लीटली, पूरा घूमते हैं. दैट्स व्हाट यू कैन सी हियर. व्हेरएज व्हेन इट कम्स टू थ्री एक्सिस मेथड, there are three axes called as roll, yaw and pitch. Roll, yaw and pitch, which release a small gas jet. Just a small gas jet is released so that it gets stabilized, so that the axis will tilt automatically. This is what we call it as spin axis. Students, are you able to read it? Is the clarity fine? I mean, how is the clarity of the board? Is that neatly focused? Yeah, I think it should be focused. Let me just check. Just give me a small feedback. How is the clarity? Let me just check it once. Is this clear? Otherwise, I'll put this in my Telegram channel. A PDF file, I'll upload it in my Telegram channel. Ek bar usse bhi dekh lena. Yeah, it's thik hai. I'm able to see it. Put it in full screen mode, ho jayega. So full screen mode mein rakho to theek hai, it's able, it's quite visible, is good. Yeah. For me it's okay, it's okay. Yeah. So ye hoti hai attitude and orbit control. It's just about two types of systems: spinning the satellite and three axis method. Spinning the satellite or spinners, in which the entire satellite rotates, or you can make three axis. Any questions, anybody? Any doubts, anybody? Take 30 seconds and ask me any doubts about attitude control, orientation control, how you maintain this orientation. Koi bhi questions ho to poochiye. If you are clear, I'll go to the next topic. Right. Hi Punita, Arun, Naveen. Next. Telemetry, tracking and command. The next important system. Telemetry is measuring. Measuring the temperature there. Telemetry means, metry is something meant for measuring. So telemetry, tracking and command, it is for monitoring various vital parameters of the satellite. Ab ye focus orientation ki baat nahi ho rahi hai. Now this is not about orienting your satellite, it's about the health of the satellite. That's what is TTC, telemetry, tracking and command. So that satellite ka height, orbit ka velocity, temperature, ओरिएंटेशन पीरियोडिकली मेजर करते हैं. इसरो के साइंटिस्ट 24 घंटे लगे रहते हैं इसमें.
एंड इफ वन ऑफ यू बिकम एन इसरो साइंटिस्ट यू विल वर्क डे एंड नाइट इन शिफ्ट्स फॉर मॉनिटरिंग दीज थिंग्स. क्योंकि आपको स्पेसिफिकली एन नंबर ऑफ सैटेलाइट्स असाइन किया जाएगा. इन एनी ऑफ द सैटेलाइट इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, देयर इज एन एमरजेंसी, इमीडिएटली यू हैव टू सेट इट राइट. सो दिस इज व्हाट इज टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कंट्रोल. सो इन द टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कंट्रोल यू विल बी मॉनिटरिंग द हाइट, ओरिएंटेशन, टेम्परेचर एंड इमीडिएटली ग्राउंड स्टेशन को नोटिफाई करना है. And the ground station through the data receiving systems, it will be working. So that it's basically divided into three categories: telemetry and monitoring, tracking subsystem, and command subsystem. So TTC ka matlab yehi hai: telemetry, tracking, and command. So what is telemetry's job majorly? It includes attitude information. From the sun, how is it oriented with the earth? It's about the magnetic field intensity there. कोई meteors के impact है या कोई solar flare है कभी कभी. कभी कभी solar flare से बहुत ज़्यादा नुकसान होती है satellites को. हर 11 साल में at every 11 years periodically solar flares आते हैं, which is extra heat produced by the sun. That's what is coming under telemetry. सो उस वक्त कभी कभी कम्युनिकेशन सिस्टम्स पूरा बंद ही कर देते हैं सैटेलाइट के. सो दैट्स व्हाट टेलीमेट्री कम्स अंडर. इट्स अबाउट द एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन, मैग्नेटिक फील्ड, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड्स, मीटियोर इंपैक्ट एंड ऑल इट हैज टू डू इज सैटेलाइट से अर्थ की ओर भेजना है सिग्नल्स. सैटेलाइट का टेम्परेचर, पावर सप्लाई, स्टोर्ड फ्यूल प्रेशर, वो गैस जेट्स में कितना प्रेशर है, ये सब इन्फॉर्म करना है. यू गेटिंग इट? अरुण यादव, ओरिएंटेशन एंड एटीट्यूड लगभग सिमिलर हैं. ओनली थिंग इज सैटेलाइट का ओवरऑल एटीट्यूड, उसमें एंटीनास का ओरिएंटेशन, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. माना कि आपके सैटेलाइट आप ही की तरफ हैं, लेकिन उसका जो एंटीनास है ना थोड़े नीचे की तरफ है. मान लीजिए मेरे हाथ एंटीना से मैं सैटेलाइट हूं, मैं तो आप ही की तरफ हूं लेकिन मेरे एंटीनास नीचे हैं. सो यू कैन सी माय एंटीनास आर डाउनवर्ड. मेरे को एंटीनास आपकी तरफ करना है. दिस इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन चेंजिंग. ओवरऑल सैटेलाइट अलग तरफ देख रही है, दिस इज कॉल्ड एज एटीट्यूड चेंज. सो ज्यादा कोई फर्क नहीं है दोनों में. कभी कभी सैटेलाइट आपकी तरफ देखती है लेकिन एंटीनास कहीं और देख रहे हैं. ये हो गया एटीट्यूड, बट ओरिएंटेशन इज रॉन्ग. सो आई हैव टू चेंज माय सैटेलाइट्स टुवर्ड्स यू, एंटीनास टुवर्ड्स यू. दैट्स व्हाट इज ओरिएंटेशन, एटीट्यूड एंड डिफरेंट थिंग्स. कभी कभी ऐसा भी होता है कि सैटेलाइट ही कहीं और देख रही है, तो सैटेलाइट को घुमाना है. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? दैट्स अ लॉजिक, सिंपल लॉजिक. So looking, making the satellite look towards you, making the antennas look towards you. Antennas ka bhi orientation aapki taraf hona chahiye aur satellite ka bhi orientation aapki taraf hona chahiye. Chalo, so ye sab maintain karti hai telemetry system. And telemetry ke liye alag se frequencies hote hain. Telemetry frequencies are not communication frequencies. Taki wo communication ke saath interference na kare. So certain frequencies have been designed in the international agreement. Naveen, it is never one side communication from satellite to ground. No, it is two side, because the satellite will be sending information through telemetry system and a tracking system, and we give command through the command system. So mana ki satellite is telling that I am not properly oriented. We have to give a command to set it right. So satellite से हमेशा two side communication होती है. Satellite will send its status, you have to give the command. That's what is TTC means. Satellite measure कर रही है, telemetry measure करके बता रही है कि भाई ये temperature है, this is my heat, this is the battery position, this is my antenna position, this is my height, this is my direction, this is my velocity. You are happy with it. You are tracking it and you are happy with it.
then you don't give any command. Otherwise, you have to give a command. So that there is again a commands receiving system there. The command from the earth station to the telemetered information, in response to it, you'll give it. So that the command system will demodulate the command signals and routes this to the appropriate equipment to take the necessary action. So earth station also will give a command. After giving the command, the satellite will have systems to decode these commands and properly it will route it to the correct point. Is it a command for attitude or is it a command for orientation? Is it a command to slow down? Is it a command to, you know, close the solar panels? Because some meteor showers are very high, solar panels will close it and it will run only on battery power for many days. So it can be any command. So attitude changes, all these things will be notified. And if anybody gets access to this command system, then we say satellite is hijacked, which is impossibly rare. If I am not controlling my satellite, and if somebody else is controlling this, that is what we call it as satellite being hijacked. So command system is the most vital. Tracking system is the most vital. Telemetry is the most vital. So any questions, anybody, students, are you following it now? So this is the major things I'm trying to teach in today's class. In today's class, my major topic of teaching is AOC, TTC systems. Attitude and orbit control. How do you maintain your satellite in the position? By spinning the satellite, firing some motors, sending some gas, and see that it is in its position. That is what we call it as spinning the satellite in three-axis method. Spinning the satellite, or it can be three-axis method. Right. Punita Tiwari, if sensing system of a satellite means tracking system from satellite lost, how can we track satellite? Simple, Punita. If any of the sensors are lost, there is always a backup system. A backup system which is activated only when the primary system is lost. Agar ye backup bhi kho gaya, then the entire satellite is lost. Aur ye backup system solar panel se zyada individual power pe chalti hai. So don't worry about losing it. Most often the tracking system has got, every tracking system, there is a backup again. An antenna which opens only in emergency. Right? So, you got the point? Chalo. So, Naveen, I hope you are following it. Telemetry is measuring the parameters. Tracking is giving that information. Telemetry means measuring. Measuring where is it? How is it? Telemetry is nothing but measuring. It involves a sensor, it involves a, you know, it involves an radar, it involves an temperature meter. This is telemetry. Tracking means sending that information. Command means getting the information back. That's what TTC means. Naveen, you are able to distinguish between all the three? Teen alag alag cheeze hai. Telemetry matlab measure karna. What is the status? What is the height? What is its temperature? Tracking means sending this information. Command means getting the recontrolled information, controlling information back. Any doubts? Any questions? So watch again, telemetry, tracking. The satellite sends signals to the earth stations. It is important to, for your orbital position. It is important to track the satellite's movement. And you'll be sending beacons regular. It'll be sending regular information. And what will the tracking information be? Telemetry information only. Jo kuch usne measure kiya na,
That's what it will be sending. So measuring it, sending it. Measuring it, sending it. Measuring is telemetry, sending is tracking. Simple. Measuring the data, sending the data. Measuring the data, sending the data. Right. The last, third one. Power supplies. What does satellite power mean? Arun Yadav, are you following? Are you following, Arun? So your satellite doesn't simply have transponders and communication system. It got lot more things to be measured. It has got lot more things to maintain. That's why your satellite weight is minimum 1000 kgs overall. So it has got lot more things, really, really lot more things. Chalo, coming to the third point. That's what is power supplies. What does your satellite power typically comprise of? Satellite power is 80% solar power, solar panels, photovoltaic cells, solar cells. The remaining 20% backup is your batteries, chemical batteries. But the future of satellite power is nuclear. Because if you can go for nuclear power, you can travel even to the Mars and even exceed Mars. Because with such a low weight, if you can generate nuclear power, that's it. It's sufficient. So satellite power mein majorly it comes chemical battery backups, rechargeable batteries, solar panels. But most often if you go for nuclear, that is the future. One small doubt I want to ask is, what is cryogenic fuel? Cryogenic fuel is used in rockets, not generally in satellites, it's for rockets. And cryogenic is nothing but solid fuel. Instead of liquid fuel, we go for solid fuel so that the space occupied is very less. And it is generally in very cooling stage we use it. So that in subcooled temperatures, cryogenic temperatures, when you cool the fuel, it becomes solid state. The technology is used in GSLV and other high level rockets. So don't mix up cryogenic technology with rocket power, with the satellite power. Satellite power only solar and chemical. That's all. Got it? Next, what does the communication subsystem comprise of? Communication subsystem mein kya kya hota hai? Communication subsystem mein you have the uplink, downlink and the transponder. Uplink at the ground station and at the satellite, uplink towards the satellite, downlink to the ground station, transponder will be there. And it comprises of an IF modulator, filters, amplifiers, antennas, microwave frequency generators. Ye sab aapke communication system mein aata hai. So all this come under your communication part. So your communication part, majorly there is uplink, downlink, transponders, and transponders which imply transmitter plus receivers, responders. So ye sab hote hain aapke andar. Amplifiers, bandpass filters. So if you go deep into the analysis, what is transponder? Transponder is nothing but a shortcut for the transmitter and responder, receiver as well as transmitter. And it is majorly meant for amplifying the signals and shifting the signal, shifting the frequency. Kyunki uplink or downlink frequency same nahi hoti hai. So given that the uplink and downlink frequency are not same, transponder ka kaam frequency shifting bhi hota hai, translation bhi hota hai. Because uplink and downlink are not same. And it is only to support duplex system. Interference ke bina duplex system support karne ke liye, we generally go for a frequency shifting. Do alag alag frequencies so that they don't interfere. So uplink and downlink are maintained two different frequencies. Isiliye aapke transponder satellite ka sabse important component, communication component. It has to do both the jobs. Now coming to a very vital question. Sabse critical question hoti hai. Ki why is your uplink and downlink frequencies are different? And why is your uplink frequency larger than downlink frequency? This is a vital question. Uplink frequency kyun zyada hoti hai downlink frequency se?
वेरी सिंपल आंसर, टू पॉइंट्स ध्यान से सुनिए। अपलिंक जो अर्थ स्टेशन से करते हैं, फ्रॉम द अर्थ स्टेशन पावर इज अबंडेंट हियर, सैटेलाइट जैसा लिमिटेड पावर नहीं है। सो अपलिंक में जहां पे पावर का प्रॉब्लम नहीं है, वेयर एनर्जी इज एच इनटू फ्रीक्वेंसी, अर्थ स्टेशन हैज गॉट हायर फ्रीक्वेंसी बिकॉज एनर्जी इज अबंडेंट ऑन द अर्थ, 220 वोल्ट्स पावर सप्लाई बहुत ज्यादा है। डाउनलिंक की बात कीजिए, जो एच इनटू फ्रीक्वेंसी है, सैटेलाइट में पावर लिमिटेड है, सो ऑब्वियसली डाउनलिंक इज मेंटेन लोअर फ्रीक्वेंसी, सिंपल लॉजिक। एम आई क्लियर? दूसरा, हाइयर द फ्रीक्वेंसी नैरो द बीम एंगल। सो बीम एंगल जो होती है एंटेनास का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा से, इनफैक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रीक्वेंसीज। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, फ्रॉम द अर्थ स्टेशन टू द सैटेलाइट, व्हेन यू आर सेंडिंग द सिग्नल, इसका बीम नैरो होने से बेहतर है बिकॉज सैटेलाइट इज अ स्मॉल पॉइंट। सो दैट इज वाई वी चूज ए हायर फ्रीक्वेंसी फॉर ए नैरो बीम, ताकि बीम नैरो आएगा। वही जब डाउनलिंक की बात करते हैं, विच इज मेजरली टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट से फैलानी है ना, सिग्नल को काफी तरफ फैलाना है, सो लो फ्रीक्वेंसी भी चलेगा। सो द कॉमन सेंस इज दिस स्टूडेंट्स, द बीम एंगल इज स्मॉल इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाई। सो अपलिंक में जो सैटेलाइट एक छोटी सी पॉइंट से दिखती है, फॉर दैट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाई द बीम एंगल इज स्मॉल, सो दिस एडवांटेज ऑल्सो इज ऑलवेज देयर। वही जब सैटेलाइट से सिग्नल रिफ्लेक्ट करना है, ब्रॉडकास्ट करना है, इट कैन ब्रॉडकास्ट इट इन मल्टीपल डायरेक्शंस, तो बीम एंगल का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई अपलिंक एंड डाउनलिंक आर मेंटेन डिफरेंट। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन सबसिस्टम। कम्युनिकेशन सबसिस्टम में ऑल दिस थिंग्स विल कम। इसमें ट्रांसपोंडर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेयर ट्रांसपोंडर इज समथिंग फॉर ट्रांसमीटर प्लस रेस्पॉन्डर एंड इट एम्पलीफाई सिग्नल्स, शिफ्ट्स ऑफ सिग्नल्स, शिफ्टिंग, क्योंकि अपलिंक एंड डाउनलिंक आर नॉट सेम। शिफ्टिंग जरूरी है क्योंकि अपलिंक एंड डाउनलिंक आर नॉट सेम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट्स, वाई इज अपलिंक लार्जर एंड वाई इज डाउनलिंक स्मॉलर, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सॉलिड बीम एंगल डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, थीटा डिपेंड्स ऑन लैम्डा। एनी क्वेश्चंस, टेक 30 सेकेंड्स, कोई भी डाउट हो तो पूछिए। आई एम ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट आई एम फिनिश द क्लास, सो कोई भी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। एनी क्वेश्चंस? So the transponder majorly comprises of receiving signals, transmitting signals, ताकि एक दूसरे से interfere ना करें। They are maintained at two different frequencies. That is what is called as duplexer, which can send forward and backward signals both without interfering. That's what is called as duplexer. Amplifiers will be there, carrier processors, power amplifiers. This is a typical transponder. A transponder as an amplifier, if you look at it, ऐसा दिखती है। इसी transponder को आप frequency shifting जैसा देखिए, because it has to shift the frequency, uplink से downlink, downlink से uplink. Then it will have a local oscillator mixer, so that you get the beat or the difference of the frequencies, so that this acts as a frequency translator, frequency shifting. तो shifting के लिए क्या करना है? एक और से multiply करना है। साइन ए इंटू साइन बी करेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा। सो साइन वन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई विथ साइन वन मोर फ्रीक्वेंसी,
यू विल गेट द सम एंड डिफरेंस, इससे शिफ्टिंग हो जाती है. सो देयरफॉर वी हैव ए मल्टीप्लायर और लोकल ऑसिलेटर. सिग्नल दैट वी रिसीव्ड, वी मिक्स इट, वी मल्टीप्लाई इट, वी गेट द डिफरेंस एंड दैट गोज टू द एंटेनास. अरुण, नॉट मच ऑफ न्यूमेरिकल्स इन दिस एरिया. ये ईएस के लिए थ्योरी क्वेश्चंस के लिए हैं, नॉट मच ऑफ न्यूमेरिकल्स इन दिस एरिया. बस आप हर कॉम्पोनेंट को जानने की कोशिश करो. एवरी कॉम्पोनेंट व्हाट इज इट्स रोल ट्राई टू अंडरस्टैंड. फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में मिक्सर यूज करते हैं, वही एम्पलीफायर के इसमें लो नॉइस एम्पलीफायर डुप्लेक्सर यूज करते हैं, एंड यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स. सो ईएससी में जो क्वेश्चंस हैं दे आर नॉट न्यूमेरिकल बेस्ड हियर. इसमें न्यूमेरिकल से ज्यादा यू नो इट्स मोर ऑफ द थ्योरी कैटेगरी. सो एनी डाउट्स एनीबडी स्टूडेंट्स? ये पूरा पीडीएफ फाइल में टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, पूरा पीडीएफ फाइल. यू कैन गो थ्रू वंस अगेन, बट आई होप द वर्ड्स आर वेरी क्लियर. सो टुडेज क्लास वॉज मेजरली दिस स्लाइड. सैटेलाइट सब सिस्टम्स पढ़े थे हम लोग. Attitude and orbit control is a major subsystem. Communication subsystem, telemetry tracking and command subsystem, and power supplies. So shall we wind up, students? Shall we wind up, or you got any questions to ask? Koi questions hai to poochiye, otherwise I'll wind up. Any doubts? You can follow me on my Telegram channel, or you can download the Unacademy Learning app, very safe for messaging. And you can send me messages in Unacademy Learning app also. Bas aapko gate ESC category choose karni hai, and follow me as VSR Suresh. And for free classes you can access my code. Is code se hi subscription le sakte hain, isi se free classes bhi access kar sakte hain. You got a wide range of free classes. Feel free to access this. And this is of course my Telegram channel, same name. Mera code bhi same hai, VSRS22. My mail ID is also the same, VSRS22@gmail.com. Feel free anytime to call me. So chale students, bye. See you. Good night. No doubts. Arun, Naveen, Punita, bye.